नमस्कार दोस्तों, लेके आ गया हूँ आपके सामने एक बार फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो। आप भैया सोच रहे होंगे कि कैसे हो। बढ़िया हूँ मैं तो, फर्स्ट क्लास हूँ एकदम। मतलब आप सोच रहे होंगे भैया जो मर्जी होता है बोलता रहता हूँ। भैया आपसे दिल से जुड़ा हुआ हूँ तो क्यों नहीं बोलूँ अपने दिल से, दिल की बात। तो भैया अभी कितने बज रहे हैं? घड़ी घड़ी घड़ी, ये रही घड़ी में पीछे टाइम देख सकते हैं आप। ये रहा, 2 बज रहे हैं। हाँ करेक्ट, 2 बज रहे हैं। 2 बजे मैं उठा था, 10 बजे आज। 2 बजे मैं नहाया हूँ अभी, जस्ट फुल फ्रेश। और 2 बजे नहा के भैया मैंने अभी खाना वाना कुछ नहीं खाया, क्योंकि 10 बजे बिना नहाए खाना खा लिया था। खाने में क्या खाया? खाने में कुछ खास नहीं था, बैंगन की सब्जी थी, रोटी थी और मलाई मार के दही थी, और कुछ नहीं ऐसा खास था। तो आज भैया मैं अपनी SSC CGL की, जो मैं अभी लेटेस्ट में जो पढ़ाई कर रहा हूँ, कौन सी बुक से कर रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, कैसी बुक है मेरी, वो आपको दिखाता हूँ। एक तो भैया ये है, सारी बुक देख हो सकते हो, ये वाली नीतू सिंह से पढ़ रहा हूँ आजकल मैं। इसमें एरर वेरर कर देता हूँ मैं कभी कभार। और एक ये है, ये भी कर लेता हूँ, SSC की, अजय के सिंह की। ये भी अच्छी बुक है, इसमें एरर प्रीवियस ईयर के एरर दे रखे हैं इसमें। अच्छी बुक है एरर करने के लिए, मॉक टेस्ट लगाने के लिए। इंग्लिश की नीतू सिंह तो बेस्ट ही है। इसमें क्या है भैया, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। इसमें टेबल लिख रखे हैं मैंने 20 तक, और ये स्क्वायर हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको पता ही है। और एक राकेश यादव सर की, जो हर कॉम्पिटिटिव का बंदा है वो वाली, ये तो बुक यूज़ करेगा ही करेगा। कौन सी भैया? राकेश यादव सर का। राकेश यादव सर का मैंने कोर्स भी ले रखा है, उससे पढ़ाई करता हूँ। मोबाइल में है, ये ऑनलाइन है, वीडियो रिकॉर्डेड्स हैं। यह है राकेश यादव सर की बुक, मैथ की। मोटी लग रही है भैया, लेकिन करनी पड़ती है, नौकरी चाहिए तो। और ये मेरी इंग्लिश के, इसमें मैं लिखता हूँ जो चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट बात होती है। तो भैया ये सब चल रहा है, आपको सारा दिखाई दिया है, बुक्स और सब बढ़िया हैं, बस मज़े में हैं। और आप कैसे हैं? आपका काम वाम बढ़िया ही चल रहा होगा। अब सोच रहे होंगे भैया ये मूछे कहाँ ले जाना चाह रहे हो? कहीं नहीं ले जाना चाह रहा भैया, इन मूछों को जब से आई हैं तब से काटे नहीं है, लगा लो, क्योंकि यहाँ तक बढ़ती नहीं है। और क्या काटूँ यार, मैं सोच रहा हूँ इन्हें काट लूँगा तो बंदर सा लगूंगा, इसलिए मैं इन्हें काटता नहीं हूँ। वैसे कोई बात नहीं, आप कहोगे तो भैया काट भी लेंगे। और सब बढ़िया हैं, बाल वाल थोड़े झड़ रहे हैं, बाल वाल भी कटवा दूंगा 1-2 दिन में। तो आज तो भैया ऐसे ही है, मेरे ख्याल से पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ होने की नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो ही बना लूँ आपके साथ। अभी मैसेज आया इसमें मेरे मोबाइल में कि आपका नेट ख़त्म हो गया है। भैया नेट काहे के लिए ख़त्म हो गया, अभी चेक करूँगा, सुबह से कुछ चलाया तो है नहीं। तो यही है बस, और कुछ नहीं है। और एक दो लाइनें आपको मैं सुनाता हूँ, प्यारी सी, क्योंकि मैं सिंगिंग का तो शौकी है। हो मेरे सोनिया मेरे हड़िया, मैनू एक बारी प्यार होया फिर। दोस्तों प्यार यार कुछ नहीं हुआ है, ये दांत कितने चमक रहे हैं रे। दांत इसलिए चमक रहे हैं क्योंकि भैया मैं सुबह और रात में डेली ब्रश करता हूँ, और सभी को करना चाहिए, और सब करते भी हैं, जो नहीं करते हैं भैया करना चाहिए, इसलिए मेरे दांत हमेशा ऐसे चिपकते हैं जैसे डायमंड लग रहे हों। और सॉन्ग कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में ज़रूर फिर से मुलाकात होगी ज़रूर, और तब तक के लिए आपका भी और मेरा दिन शुभ रहे।